चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है नंबर ऑफ यूरेनियम 238 एटम्स, नंबर ऑफ यूरेनियम 238 एटम्स इन एन एंशिएंट रॉक, इन एन एंशिएंट रॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड 206 एटम्स। ठीक है, यूरेनियम 238 के एटम्स इक्वल है किसके, लेड के एटम्स के बराबर। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम टी हाफ ऑफ यूरेनियम 238 इज 4.5 इंटू 10^9 इयर्स, 4.5 इंटू 10^9 इयर्स। सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर वन एज ऑफ रॉक, वो रॉक कितने साल पुराना है। सबसे पहले फाइंड करना है एज ऑफ रॉक, वो रॉक जो है कितने साल पुराना है। तो हमें यूरेनियम की एज फाइंड करनी है। और सपोज करो आपके पास ठीक है यूरेनियम 238 है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है जिसमें यूरेनियम यूरेनियम 238 तो है ही, इसमें प्लस लेड में भी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इनिशियली क्या था, ये यूरेनियम था, अब क्या हो रहा है, लेड बन रहा है। और यूरेनियम तो है ही पहले से ही, मान लो 100 से पहले, और पहले लेड क्या था, 0। अब मान लो एक हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई, एक हाफ लाइफ के बाद 50 एटम तो यूरेनियम के होंगे और 50 ही एटम किसके होंगे, लेड के होंगे। तो रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो एक हाफ लाइफ के बाद ही दोनों के नंबर क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ यूरेनियम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड एटम, इसका मतलब उन्होंने एक हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली, तभी तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एज ऑफ रॉक क्या हो जाएगी, एज ऑफ रॉक इज 4.5 इंटू 10^9 ईयर्स, एक हाफ लाइफ हो गई होगी कंप्लीट। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द एज व्हेन यूरेनियम एंड लेड रेशियो बिकम 1:3, व्हाट इज द एज ऑफ रॉक बिकम, सेकंड पार्ट इसी का, व्हाट इज द एज इफ रेशियो ऑफ यूरेनियम 238 इज टू लैड 206 इज, ये रेशियो 1:3 हो जाए तो उस केस में क्या एज होगी रॉक की। यूरेनियम 238 है आपके पास, सपोज करो अभी इसकी क्वांटिटी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ए, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियर से आपके पास ए, एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ कंप्लीट करी इन्होंने,
तो यूरेनियम 238 और क्या बन गया, लैड बन गया। तो अब आधा तो अभी क्या होगा, यूरेनियम 238 और आधा क्या होगा, अभी लैड होगा। फिर एक और हाफ लाइफ अगर कंप्लीट करेंगे तो अब ये फर्दर और डिके होगा, इसका आधा पार्ट और डिके हो जाएगा, तो कितना बचेगा ए बाई टू का, और आधा कर देंगे तो अब यूरेनियम हो जाएगा आपके पास कितना, ए बाई फोर, और लैड कितना हो जाएगा, ए बाई टू तो पहले से ही था, प्लस ए बाई फोर करेंगे तो ए बाई टू प्लस ए बाई फोर कितना होता है, ए बाई टू प्लस ए बाई फोर, तो उसको प्लस करोगे तो थ्री ए बाई फोर आएगा। तो इस केस में लैड कितना हो जाएगा आपका, 3a by 4। अगर रेशो निकालोगे आप लोग a by 4 divided by 3a by 4, तो रेशो आएगा 1:3। इसका मतलब उसने दो हाफ लाइफ कंप्लीट करे, कितना हाफ लाइफ, तो एज ऑफ रॉक हो जाएगा आपका 2 × t half। तो t half कितना आपका हाफ लाइफ, विच इज इक्वल टू 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ ईयर्स। आया समझ में? फॉर अ सैंपल अगला क्वेश्चन आपका एक्टिविटी पेयर है, फॉर अ सैंपल टी हाफ गिवन है आपको 20 आवर्स, 20 आवर्स का इसका हाफ लाइफ है, ठीक है। इफ इनिशियल एक्टिविटी इज ए नॉट, find activity after 160 hours, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सभी कर लेंगे क्वेश्चन। 160 आवर्स के बाद ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएंगे, वन सिक्सटी डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया, 8 हाफ लाइफ। तो एक्टिविटी हो जाएगी ठीक है, एक्टिविटी आफ्टर 8 हाफ लाइफ, क्या फॉर्मूला होगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2⁻⁸। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2⁸। जितने हाफ लाइफ होते हैं उतनी पावर आ जाएगी 2 की। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा समझने वाला है। एक पैरेंट न्यूक्लियाई है, यह कन्वर्ट हो रही है किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई ये भी क्या है, ये भी रेडियो एक्टिव है, तो डॉटर न्यूक्लियाई फर्दर कन्वर्ट हो रही है फिर स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है, डिके केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही डिके होता है, ठीक है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई पहले कन्वर्ट हो रही है, डॉटर न्यूक्लियाई में भी डॉटर न्यूक्लियाई फर्दर कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल न्यूक्लियाई में। तो पेरेंट न्यूक्लियाई का हमें लैम्डा गिवन है, इसका लैम्डा पी मान लो डिके कांस्टेंट, और इसका लैम्डा डी मान लो डी फॉर डॉटर, ठीक है, लैम्डा पी और लैम्डा डी मुझे फाइंड करना है। और किसी भी टी टाइम पर, एट
टी इक्वल टू टी समय पर नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मान लो एन पी और नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मान लो एन डी। तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है फाइंड द कंडीशन फॉर विच नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मान लो डॉटर न्यूक्लियाई भी इनिशियली 100 है तो ये रिएक्शन चलती रहे और लेकिन डॉटर न्यूक्लियाई किसी भी समय पे मैं देखूं तो डॉटर न्यूक्लियाई की जो नंबर है वो हमेशा 100 ही आए, तो उस कंडीशन के लिए हमें मतलब क्या होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या दोनों के लैम्डा बराबर होने चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही आए, उसके नंबर में चेंजेस नहीं आए। तो डॉटर न्यूक्लियाई आपका हमेशा कांस्टेंट आए, इसका मतलब डॉटर न्यूक्लियाई के लिए, क्योंकि नंबर जो है डॉटर न्यूक्लियाई का हमेशा कांस्टेंट है, तो डॉटर न्यूक्लियाई के लिए जो dn by dt होगा क्या वो जीरो होगा, क्योंकि n इसके लिए क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट है, n हमेशा चेंज नहीं हो रहा, तो dn by dt इसका रेट ऑफ डिके कॉन्स्टेंट जीरो आना चाहिए तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब क्या हो रहा है, पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहा है डॉटर में, डॉटर कन्वर्ट हो रही है स्टेबल न्यूक्लियाई में। तो सपोज करो इनिशियली ये 100 था, पेरेंट न्यूक्लियाई ने यहां से 20 कन्वर्ट करा डॉटर न्यूक्लियाई में और फिर इसने क्या करा अगेन 20 कन्वर्ट कर दिया स्टेबल न्यूक्लियाई में, तो उसके पास नंबर क्या रहा, अभी भी 100 ही रहा। ये 100 था, 20 डॉटर में कन्वर्ट हुए और फर्दर 20 कन्वर्ट हो गए किसमें, स्टेबल में, एक ही समय में 20 ये कन्वर्ट हो रहा है, 20 पर फर्दर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां से पेरेंट न्यूक्लियाई की जो रेट है वही रेट किसकी होनी चाहिए, डॉटर न्यूक्लियाई की, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो मैंने पढ़ा dn by dt माइनस dn by dt क्या होता है, ये लैम्डा n होता है किसी भी कंडीशन में, लैम्डा n, तो देखो ये डीके होके उसमें जा रहा है तो उसको लेंगे पॉजिटिव में लैम्डा पी पेरेंट इंटू एन पी, और ये डीके हो रहा है इसको माइनस में लेंगे लैम्डा डी एंड डी, दोनों की डिके रेट सेम होनी चाहिए, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, लैम्डा पी इक्वल होना चाहिए लैम्डा डी एंड डी के। तो उसी केस में नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई वो हमेशा आपकी कांस्टेंट आएगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, पहले क्वेश्चन इसको रब कर देता हूं, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस A factory produces a radioactive substance A at constant rate R. A factory produces a radioactive substance A at constant rate. फैक्ट्री है जिसमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए प्रोड्यूस हो रहा है कॉन्स्टेंट रेट पे आर पे, विच डिके विद अ डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा टू फॉर्म अ स्टेबल सब्सटेंस बी, विच डिके विद डिके कॉन्स्टेंट lambda to form a stable substance B.
एक स्टेबल सब्सटेंस बना रहा है, बी सब्सटेंस बना रहा है, ठीक है, लैम्डा उसका डीके कांस्टेंट हो गया. फाइंड मुझे फाइंड करना है सब. नंबर वन, किसी भी टी समय पर ए कितना होगा और बी कितना होगा. द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी एट एनी इंस्टेंट टी, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी इंस्टेंट टी पर, अज्यूमिंग एट टी इक्वल टू जीरो पर प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्टेड, प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्टेड टी इक्वल टू जीरो समय पर ए बनना चालू हुआ. तो मुझे बताना है किसी टी समय पर कितने मेरे पास ए होंगे, कितने बी होंगे. और सेकंड क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, किसी भी टी समय पर, मतलब कोई सा टाइम हो सकता है, मैक्सिमम ए कितना हो सकता है ये फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और कल हम लोग